ये जग जाहिर वीडियो पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखी कि हमारे माननीय बागवान मंत्री कुकुर मुत्तों को जो है वो अभिभाषण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम आपके जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं वो है ब्रिजलाल जी, जो पूर्व में कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन और दो बार भाजपा के प्रत्याशी। ब्रिजलाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। जिस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में, जो कल विक्रमादित्य जी ने रामपुर के अंदर किसान बागवानों के पक्ष में एक रैली की है और उन्होंने सरकार को घेरा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वैदिक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कल जो कांग्रेस की किसानों और बागवानों के हित में रैली हुई है, जिसमें टिक्का विक्रमादित्य सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे, वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित थी। उसमें किसानों की हित की बात कहीं नज़र नहीं आ रही थी। विधानसभा के चुनाव आते देखकर कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जितना हित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी यशस्वी मुख्यमंत्री के समय हुआ है, उतना शायद पूर्व में रही किसी भी सरकार में नहीं हुआ। ये ठीक है, किसी भी उत्पाद पर जीएसटी लागू होता है, वो भी मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, जिन्होंने 18% जीएसटी को घटाकर 6% घटाकर 12% ही रखा और सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं किसान और बागवान हैं, लेकिन जिस तरह के कल बयान देखने को आए वो सिर्फ और सिर्फ रामपुर की जनता और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाले बयान थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर खंडन करती है। ब्रिजलाल जी, जैसे अभी हाल ही में देखा गया है, अभी विक्रम आदित्य जी ने जो रोडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेत्री शशि बालाजी, उनके लिए एक आपत्तिजनक बयान दिया था, और रानी प्रतिभा सिंह जी ने जो एक प्रदेश में अभी अध्यक्षा भी है और सांसद भी है मंडी पार्लियामेंट्री की, उन्होंने जो गुड़िया कांड हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि एकमात्र छोटी सी घटना थी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इन लोगों ने जो बयान दिए वो बिल्कुल गलत थे। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि गुड़िया कांड कोई छोटा मोटा कांड नहीं था, जिसमें बड़े बड़े लोग गिरफ्तार भी किए गए और अपने आप में सनसनीखेज वाला ये कांड था, उसको छोटा कांड बोलना गलत है। जहाँ तक टिक्का विक्रमादित्य सिंह जी ने रोडू में एक महिला नेत्री के विरुद्ध
बयान दिया वो भी आपत्तिजनक है। ऐसे बयान देने से टीका विक्रमादित्य सिंह जी को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में विषमताएं पैदा होती है। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, संयम में रहकर एक राजनीतिज्ञ को बयानबाजी करनी चाहिए। अब आपसे अंतिम प्रश्न। अब पूर्व में रहे 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनको एक हिमाचल के निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो ऐसी बयानबाजी नहीं करते थे, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पूर्व में 6 बारी रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान में दिवंगत आत्मा राजा वीरभद्र सिंह जी सैम में रहकर वो सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे, वो बयानबाजी करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद दोनों ही माँ और पुत्र जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो हिमाचल के एक एक व्यक्ति देख रहे हैं कि कितनी ओछी बयानबाजी, यहाँ तक कि यशस्वी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी हल्की बयानबाजी करते हैं, इससे उनको गुरेज करना चाहिए। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद।